समस्त যানবাহন বন্ধ ভাইয়েরা রয়েছেন, গাড়ি নিয়ে নির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন, সেফ ড্রাইভ সেফ রাইড কর্মসূচিটি মাথায় রাখবেন, কেউ দয়া করে একটু অযথা বিরক্ত ভাবে এগিয়ে যাবেন না। বৈঘর অধিবাসী বৃন্দের পক্ষ থেকে আপনাদের অনুরোধ রাখছি বিনীতভাবে, যে সমস্ত স্টল বন্ধুরা রয়েছেন, যারা ফুচকা বিক্রেতা সেই সাথে আইসক্রিম বিক্রেতা, তাদের উদ্দেশ্যে আবেদন রাখছি, আপনারা কিন্তু নিয়ম এবং শৃঙ্খলা মাথায় রাখুন, আপনারা কিন্তু দয়া করে মাস্ক করে আপনারা কিন্তু বিক্রয় করবেন, কেননা বৈঘর অধিবাসী বৃন্দ একটা সুস্থতা এবং সহযোগিতা প্রত্যেক বছর আশা রাখে। আমরা চাই না শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে, আমরা কিন্তু সমস্ত নিয়ম আমরা মাথায় রেখে এই উৎসবকে আমরা এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग हेल्दी खुश होंगे और सुरक्षित होंगे अपने अपने घरों में। फ्रेंड, मैं यहाँ दो दिन बाद आप लोगों से डायरेक्ट रूबरू हो रही हूँ। आज फेस टू फेस कैमरा फेस नहीं किया था दो दिनों से मैं मतलब दुर्गा पूजा ही घूमने में व्यस्त थे, वहीं का क्लिप वगैरह डाल रहे थे, तो आप लोगों से फेस टू फेस बात नहीं कर पा रही थी। और आप लोगों को हैप्पी दशहरा फ्रेंड्स, आज भी दशहरा है, कल भी दशहरा था, मैंने कल भी आप लोगों को विश किया था लेकिन फेस टू फेस नहीं कर पाई थी फ्रेंड, तो आज भी आप लोगों को हैप्पी दशहरा, बहुत बहुत बधाई हो। आप लोगों के जीवन में सारे दुखों का अंत हो और सुखों का आगमन हो, यही कामना करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को दुर्गा पूजा स्पेशल व्लॉग भी पसंद आ रहे होंगे और ढेर सारे आप लोगों के लाइक चाहिए फ्रेंड, प्यारे प्यारे कमेंट तो आते ही हैं, उसके लिए कोई शिकायत कभी से नहीं थी। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोज़ को शेयर कीजिए। और अभी मेरा मॉर्निंग का रूटीन स्टार्ट हो रहा है और ब्रेकफास्ट वगैरह बच्चों को मतलब दे दिया है, अभी आप लोगों से मैंने सब शेयर किया हुआ है, आप लोग आगे वीडियो में देखेंगे। चलिए आगे का काम देखते हैं ज़्यादा बातें ना करते हुए। यहाँ पे विम्मी ब्रेकफास्ट में इडली खा रही है, आज साउथ इंडियन डिश ही लिया है। निम्मी को चाउमीन पसंद था तो उसके लिए चाउमीन आया था, आज ब्रेकफास्ट बाहर से ही आया है तो इडली खा रही, निम्मी ने चाउमीन खाया। और सिद्धार्थ जो बड़ा वड़ा होता है वड़ा सांभर के साथ वो खा रहा है, आज ब्रेकफास्ट नहीं बनाना पड़ रहा है, आज बाहर से ही आ गया ब्रेकफास्ट। यहाँ पर सिद्धार्थ देखिए वड़ा खा रहा है, ये इसके लिए आया है, जिसने जो डिमांड की है वो, तो आज ब्रेकफास्ट बाहर से ही हो गया। विम्मी इडली पसंद की थी, निम्मी को चाउमीन चाहिए था तो जिसने जो पसंद किया वो आया, उसके लिए आज ब्रेकफास्ट बनाने का कोई झमेला नहीं घर में। किसी किसी दिन मन करता है ना बाहर से भी आ जाए ताकि घर में बनाना ना पड़े, वैसे तो इस कोरोना काल में रिस्क ही है लेकिन फिर भी इंसान थोड़ा सा आजकल रिस्क हम लोग ले रहे हैं। आज फ्रेंड ये आने को पूछने के लिए सोचा है, वैसे तो सबके नवरात्रि में सबके यहाँ सब साफ सफाई होती है लेकिन मैं तो जो सट पाती हूँ जो कर पाती हूँ वो मैं करती हूँ फ्रेंड, तो ये काफी दिन से सब गंदा, वैसे तो ये रोज ही पोछाता है, एक बार एक कपड़ा मार ही लेते हैं इसके ऊपर लेकिन फिर भी डीप क्लीनिंग इसकी नहीं हुई है, तो आज मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ इसकी डीप क्लीनिंग। आप लोग देख सकते हैं कितने सारे पाउडर के डब्बे हैं, कुछ नए हैं कुछ पुराने हैं और जमा होते चले जाते हैं, देख रहे हैं 4 डब्बे हैं पाउडर के। इन सबको रोज हटा हटा के पोछना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और ये सब जगह काफी टाइम ले लेता है और इतना टाइम रहता नहीं। आज मैं उतनी फ्री हूँ क्योंकि ब्रेकफास्ट वगैरह बाहर से ही आना है, मतलब बाहर से खाना है, तो इसीलिए रेडीमेड था तो घर में बनाना ना पड़ा, उसका टाइम इतना बच गया तो मैंने सोचा चलो यही पोछ लेते हैं। ये छोटी छोटी जगहों को पोछना अपने आप में बहुत ही ट्रिकी रहता है, इसके अंदर देखिए सब खाचे खाते हैं। ये निम्मी का परफ्यूम है जो लगा के जाती है, कुछ नए कुछ पुराने ढेर सारे पाउडर के डिब्बे हो गए हैं। सोचा था दो दिन से करने के लिए लेकिन मैं कर ही नहीं पाई, इतना बड़ा घर है फ्रेंड होता नहीं है करने के लिए, तो जो कर पाती हूँ वो मैं करती हूँ और मैं आप लोगों से ऑनेस्टली शेयर करती हूँ, इसमें कोई दिखावा नहीं है कोई बनावट नहीं है कि वीडियो शूट करने के लिए कर रही हूँ, जो मैं कर पाती हूँ वो मैं करती हूँ और ऑनेस्टली मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये
एक एक छोटा छोटा सामान उठा के रोज पूछना पॉसिबल नहीं है, तो आज थोड़ा सा डीप क्लीनिंग कर ले रही हूँ। देखिए कितने छोटे छोटे सामान हैं इसके ऊपर, इनको हटाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आज हमारी आंटी नहीं आई है, राधा आंटी आज नहीं आई है, दशहरा है देश में कई जगह, तो कल दशहरा मन गया और कई जगह आज है। ये देखिए कुछ लिपस्टिक यहाँ पड़ी हुई है और इनको ढूंढा जाएगा तो ये नहीं मिलेंगी। ये देखिए यहाँ पर पड़ा हुआ है और बाल उड़ के चले आते हैं बच्चों के। ये सब डिओड्रेंट है, निम्मी का, विम्मी का, तिवारी जी का, जिसको जो पसंद है। ये तिवारी जी का है, ये भी शायद तिवारी जी का ही है और ये भी तिवारी जी का ही है। और डिओड्रेंट की जगह मुझे परफ्यूम ज्यादा अच्छा लगता है। और ये निम्मी, ये भी फोग, ये भी तिवारी जी का ही है। सब तिवारी जी के डिओड्रेंट आप लोग देखेंगे। एक एक को हटा के पूछना फ्रेंड बहुत बहुत मुश्किल होता है, इतना सारा आईने पर पड़ा रहता सामान। हाँ ये भी तिवारी जी का, देख लीजिए। आप लोग सोचेंगे सब तिवारी जी का ही है, ये बात अलग है कि सभी लगा लेते हैं, कोई ये नहीं सोचता है कि लगाना है या नहीं, जेंट्स का है या लेडीज का है, बच्चे मेरे सब लगा लेते हैं। चलिए आप लोगों से बातें करते करते मेरी डीप क्लीनिंग भी हो गई। ये मैं काफी दो दिन से सोच रही थी इसको पोछने के लिए। देखिए अब कितना सुंदर लग रहा है। वैसे तो सामने रोज पोछाता है ऐसे, सामने एक हाथ ऐसे ही मार देते हैं बस, ये सब हटा हटा के कभी नहीं पोछाता है, क्योंकि हटा हटा के पोछने में देखिए कितना टाइम लग जाता है। और आज फ्री हूँ ब्रेकफास्ट से, इसलिए मैंने इसको कर दिया। बच्चे भी करते हैं लेकिन अब उतना बारीकी से नहीं कर पाते हैं, वो लोग जल्दी जल्दी में यहाँ वहाँ ऐसे कर लेते हैं। अभी आज इसकी क्लीनिंग कर रहे हैं फ्रेंड, ये काफी देर से, क्योंकि इस पे इतना बलता नहीं है तो इसे देख लीजिए, यूज़कन से मैं इसे साफ कर रही हूँ, क्योंकि इस पे खाना नहीं बनता है, मैं इंडक्शन पे, ज्यादातर इंडक्शन पर ही बनाती हूँ, तो ये साफ रहता है लेकिन फिर भी एक तेल, मतलब तेल तेल हो जाता है इसके ऊपर। तो मैंने सोचा था इसकी क्लीनिंग करूंगी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो आज मैं फ्री हूँ ब्रेकफास्ट से, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि ब्रेकफास्ट बाहर से ही आ गया है, तो मैंने कहा कि चलिए टाइम का यूज करते हैं और इसकी क्लीनिंग कर लेते हैं। ऐसे तो इसको रोज पोछती रहती हूँ हाथ से, कपड़े से, लेकिन फिर भी क्योंकि ये यूज में नहीं हो रहा है उतना, इमरजेंसी में अक्सर मैं इसको दाल को छौंका देने में ही यूज करती हूँ, क्योंकि यही टेबल पे दाल रहती है तो यहीं से मुझे इजी पड़ता है, तो मैं इसी को ऐसे पोछ लेती हूँ। और रोज रोज गैस की भी डीप क्लीनिंग हो नहीं पाती है, तो मैं 10-15 दिन पे जब देखती हूँ कि वो गंदा हो रहा है तो मैं उसको क्लीन कर देती हूँ, और ऐसा करने में थोड़ा टाइम लगता है। थोड़ा सा पानी लगाना पड़ेगा क्योंकि मेरा किचन आप लोगों को पता है काफी बड़ा है मेरा किचन, तो मुझे मूव करना पड़ता है इधर से उधर। और अगर इस तरह से डीप क्लीन नहीं करो, उसका तेल वेल ना छुड़ाओ, तो हमारे स्टेनलेस स्टील का होता है तो उसमें जंग लग जाता है। आज भी मेरा रूटीन कुछ हटके है, आप लोग देखिएगा, कुकिंग वुकिंग का इतना कुछ नहीं दिखा रही हूँ आज, डेली तो दिखाती हूँ, डेली मैं आप लोगों से रेसिपी शेयर करती हूँ, आज मैं रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ, आज थोड़ा डिफरेंट ब्लॉग है। चलिए आप लोगों से बातें करते करते ये काम भी हो गया। गीला कपड़ा करके इसको पोंछ लूंगी और देखिए कितना चमक गया हमारा
गैस जो चीज यूज नहीं होती है उसके लिए साफ सफाई की जरूरत पड़ती है फ्रेंड। इतना यूज नहीं हो रहा है फिर भी साफ सफाई करनी पड़ती है इसकी भी। आज के एक एक क्लिप थोड़े लेंथी हो गए हैं, माइंड मत कीजिएगा और एंजॉय कीजिएगा आप लोग। आज मैंने दो डीप क्लीनिंग आप लोगों से शेयर की, एक सिंगारदान का मतलब वो मिरर का जिसे कहते हैं और एक अपने सिलेंडर गैस का, क्योंकि आज मैं कोई रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ। सवेरे की दाल बनी हुई है और अभी क्या बनेगा कुछ डिसाइड नहीं किया है, तो किसी किसी दिन कुछ डिफरेंट भी शेयर करना चाहिए। तो आज क्लीनिंग शेयर मैंने शेयर कर ली। देखिए मेरा सिलेंडर साफ हो गया और ये तो ऑलरेडी साफ ही रहते हैं। आज बाहर फ्रेंड देखिए काफ़ी शांति है। वैसे तो आज दशहरे का दिन है लेकिन हम लोग जिस तरह से लोकेशन जो जिस लोकेलिटी में रहते हैं वहाँ पर बहुत शांति है। देखिए एक जरा सी भी हवा नहीं चल रही, एक पत्ता तक नहीं हिल रहा है। वैसे तो ठंड आ गई है देखिए, और कितने सारे पत्ते देखिए, सारे पत्ते सारे झाड़ के सारे पत्ते गिर के आप लोग देखेंगे ऐसा लग रहा पतझड़ का मौसम आ गया है, जबकि पतझड़ का मौसम फरवरी में होता है। ये देखिए कितने पत्ते फैले हुए हैं। इतनी साफ़ सफाई भी नहीं हो पाती है यहाँ क्योंकि इतने सारे एम्प्लॉयज़ नहीं हैं, नहीं तो इतनी गंद इतनी मतलब पत्ते रोज़ इतने पत्ते झड़ते हैं कि इनको साफ़ सफाई करने के लिए ही काफ़ी एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तो उतने नहीं हैं। तो देखिए ये सब सूखी हुई लकड़ियाँ, वही जो अम्फान तूफान आया था उस समय की सूखी हुई, तो मेड लोग जो होम मेड होती हैं वो लोग ले जाती हैं, जो चूल्हा वगैरह जलाते हैं वो लोग यूज़ कर लेते हैं तो वो लोग ले जाती हैं। उन लोग के ले जाने से देखिए यहाँ का ख़त्म हुआ है, मैंने पहले भी आप लोगों को दिखाया हुआ है। ये अभी तक एक पेड़ गिरा ही हुआ है फ्रेंड। मैंने सोचा आज बाहर का अपना लोकेशन आप लोगों से शेयर कर लूँ, मेरा मन किया। कितनी शांति है देखिए, इस समय यहाँ पर कोई भी डॉग नज़र नहीं आ रहा है, कोई कैट नज़र नहीं आ रही है, एकदम शांति है, बहुत शांति है यहाँ पर देख लीजिए। वैसे मुझे शांति बहुत अच्छी लगती है। ये सामने देखिए, सामने गेट है यहाँ से जाने का, अक्सर हम लोग यहीं से जाते हैं। आप लोगों को क्लियर हो रहा है कि नहीं, देखिए सामने गेट है, दो गेट है, एक मिल के साइड से एक इस साइड से है। नॉर्मली जो रेजिडेंशियल लोग होते हैं वो सब यहीं से जाते हैं मिल के, और ऑफिशियल लोग उस तरफ से जाते हैं, तो यहीं से हम लोग बाहर निकलते हैं। मैंने सोचा आज आप लोगों को अपने एंट्रेंस दिखा दूँ मिल के अंदर, हमारी एंट्री कहाँ से होती है। ये देखिए सिद्धार्थ भी पीछे पीछे राउंड लगा रहा है, सिद्धार्थ भी घूम रहा है। बहुत शांति है फ्रेंड, बहुत शांति है। ऐसा आउटर एरिया में शांति आप लोगों को नहीं मिलेगी, आउटर एरिया में शांति नहीं मिलेगी फ्रेंड। आज इस ब्लॉग का मैं अब यहीं पर एंड करती हूँ। आज ऐसा कुछ स्पेशल दिखाने के लिए नहीं है, कुछ कुकिंग वगैरह का मैं नहीं शेयर कर रही हूँ आप लोगों से, मैंने सोचा थोड़ा डिफरेंट शेयर करते हैं, तो इसीलिए ब्लॉग का टाइम भी हो गया है। जो भी से आप लोगों से शेयर करना था ऑलरेडी मैंने शेयर कर दिया है। आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगा, पसंद आएगा तो ढेर सारे लाइक कीजिएगा, प्यारे प्यारे कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स में फ्रेंड। और जैसा भी आप लोगों को लगे मेरा वीडियो, जो भी आप लोगों को जो भी इच्छा हो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगा आज का। चलिए अब मैं यहीं पर एंड करती हूँ, कल फिर आऊँगी एक बहुत ही अच्छे से और प्यारे से व्लॉग के साथ। बाय बाय।